दोस्तों, आज की कहानी है बहू जा तो रही हो मायके, लेकिन खाना बना कर रख देना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सरू जा तो रही हो माई के, लेकिन खाना बना कर रख देना, और ताऊ को देख कर उल्टे पैर वापस आ जाना, वरना यहाँ इतनी सर्दी में काम कौन संभालेगा। मुझसे नहीं होता कुछ भी। अंदर कमरे से सासू माँ की आवाज सुनाई पड़ी, लेकिन मम्मी जी पापा का फोन आया था कि ताऊ जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और तुमको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। तुरंत टैक्सी पकड़कर जल्दी से जल्दी आ जाओ। खाना बनाने में थोड़ा बहुत समय तो लगेगा ही, तो हम क्या बुड्ढा बुड्ढी तुम्हारे वापस आने तक भूखे बैठे रहेंगे, और इतनी देर में तुम्हारे ताऊ का कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। मनोरमा लगभग सिल्लाते हुए बोली, क्योंकि उनको सरू की भावनाओं से कुछ भी लेना देना नहीं था। सरू का कलेजा फटने को आ गया। ये क्या बोल रही है मम्मी जी? लेकिन मजबूरी, क्योंकि जो सासू माँ ने कह दिया मानना तो पड़ेगा ही। मन ना होते हुए भी जबरदस्ती मन मार कर बहुत ही दुखी मन से सरू खाना बनाने के लिए रसोई में चल दी। आंखों से आंसू बह रहे थे और सरू के हाथ लगातार बहुत जल्दी जल्दी काम करने लगे। दोनों तरफ की गैस जला कर एक तरफ दाल सड़ा दी और एक तरफ सब्जी सौंक दी, क्योंकि पापा जी को दाल जरूर चाहिए खाने में, और मम्मी जी बिना सब्जी के कोर नहीं तोड़ती। सरू बेटा कहाँ तक पहुँचे? पापा का फिर से फोन आ गया। पापा जी अभी बस थोड़ी ही देर में निकल रही हूँ, रोते हुए सरू बोली। बेटा, ताऊ जी की हालत ज्यादा सीरियस है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। हम लोग उनको घर लेकर जा रहे हैं, लेकिन बेटा तुमको वो बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, बार बार तुम्हारा ही नाम ले रहे हैं। जल्दी से निकलो। पापा की आवाज किसी आशंका से थर थरा रही थी। जी पापा, सरू के हाथ खाना बनाने के लिए और ज्यादा तेजी से चलने लगे। सरू को बचपन से ही उसके ताऊ ताईजी ने बहुत ज्यादा लाड़ प्यार दिया, क्योंकि उनके अपने कोई बच्चे थे नहीं, तो उन लोगों ने सारा लाड दुलार सरू पर ही लुटाया। लेकिन आज सिर्फ मम्मी जी की झूठी जिद की वजह से वो जल्दी नहीं निकल पा रही थी। पति देवेश भी फौज में होने के कारण बाहर ही रहते थे
उनकी पोस्टिंग पहाड़ी इलाकों पर ही होती थी। पहाड़ों पर नेटवर्क ना होने के कारण अक्सर ही बात नहीं हो पाती थी। किससे कहे अपने दिल का हाल, और वैसे भी वो मम्मी की बात का ही समर्थन करते हैं, इसलिए उनसे भी बात करने से कोई फायदा नहीं होने वाला था। सरू ने साड़ी के पल्लू से आंसुओं को पोंछते पोंछते जल्दी से आटा लगाया और फटाफट रोटियां बनाने लगी। तभी मोबाइल की घंटी फिर से बज उठी। पता नहीं क्यों सरू का दिल किसी अनहोनी आशंका से कांप उठा। बेटा सरू तुम्हारे ताऊ जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। घर ले जाते समय ही रास्ते में प्राण त्याग दिए। इतना कह कर उन्होंने फोन रख दिया। फूट फूट कर रो पड़ी सरू। जी सहा रहा था कि खूब सिक्के सिलाई, लेकिन आवाज गले में ही घुट कर रह गई सरू के। मम्मी जी ताऊ जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरा दुर्भाग्य देखिए कि मैं जीते जी उनके अंतिम दर्शन भी ना कर सकी। तुम सली जाती तो क्या उनको बसा लेती मनोरमा बेशर्मी, बड़े शब्दों से बोली। मम्मी जी बसा तो नहीं लेती, लेकिन वो मुझसे मिल तो लेते। अंत समय तक वो मुझे याद करते रहे। सरू बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके शब्द गले में ही घुट कर रह गए, क्योंकि लौट कर आने के बाद के लिए गुस्सा गुस्से का कोई बेमतलब का सीन नहीं क्रिएट करना चाहती थी। और रोती कलपती सरू ताऊ जी के अंतिम दर्शन को सल पड़ी। दोस्तों माना कि समाज बदल रहा है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं सासू माँ का रवैया बेहद आक्रामक रहता है, और वो अपनी हुकूमत के द्वारा बहुओं की दिल की भावनाओं और रिश्तेदारों से खिलवाड़ करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकती, और वो कभी कभी दर्दनाक भी बन जाता है।